हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। ये है क्रिश्चियन वेडिंग मेकअप लुक, लेकिन आप इसे किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया है फरसाली लिक्विड ग्लास, ये हमारे मेकअप को ड्यूई इफेक्ट देगा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस, एज ए स्ट्रोप क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं इसे। गाइस, हमारा मेकअप जितना ड्यूई होगा उतना ही ज़्यादा फ्लॉलेस भी लगेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किन केयर करती हूँ मेकअप करने से पहले। देन मैं एले गर्ल प्रो फाउंडेशन एंड फरसाली रोज़ एलेक्सर मिक्स करके उसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड लाइट। एंड फाउंडेशन का मैंने शेड यूज़ किया था नेचुरल। अब अपने आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल इन द शेड हनी ब्राउन। देन मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी लूज पाउडर इन द शेड लाइट। इससे मैं अपने अंडर आई को बेक कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने आई मेकअप पे आ जाऊंगी। उसके लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ किया है, उसमें से मैंने ये लाइट ब्राउन कलर का शेड यूज़ किया था पहले अपनी क्रीज के लिए। देन मैंने डार्क ब्राउन शेड अपनी आउटर वी पे अप्लाई किया था। अब मैं ये वाइट शेड लेके इसे अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। हमारा आई मेकअप काफ़ी सिंपल होगा एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लगेगा, अभी आपने देखा ही था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हम वेस्टर्न मेकअप कर रहे हैं, तो वेस्टर्न मेकअप जितना लाइट होगा उतना प्रीटी लगेगा। अभी मैं जेल आईलाइनर से एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने शेड अपने क्रीज पे अप्लाई किया था वही मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ करके अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ एंड मैंने फॉल्सेस भी अप्लाई कर लिए हैं। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का फेस पैलेट यूज़ करके ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। देन मैं रेवोल्यूशन प्रो का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। गाइज, ये मेरा मोस्ट 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 फेवरेट हाईलाइटर है। सेम हाईलाइटर मैं अपनी ब्रो बोन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं मेबलिन न्यूयॉर्क कलर सेंसेशनल लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड डस्टी रोज़। इससे मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर लूँगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का एलिगेंस मैट लिप कलर शेड नंबर 11। ये ब्राउन न्यूड शेड है, काफ़ी प्रीटी शेड है ये एंड साथ ही काफ़ी अफोर्डेबल भी है। अगर आपको मैट लिप्स चाहिए तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, वरना आप इसके ऊपर लिप ग्लॉस भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। देन मैं पैक का मेकअप फिक्सर यूज़ करके अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। एंड या गाइस, दैट्स इट, यहीं पर हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।